वो तो कभी ना जा रही क्योंकि इसकी कटिंग उतनी नहीं है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ना भाई, इसकी भी कटिंग कम ही है। अच्छा, अब भाई एक और जगह आ चुकी है ऐसी, उधर से तो निकल ही जा रही है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो में मेरे पास है भाई मेरी पर्सनल फेवरेट कार, जो कि है भाई फोर्ड की एको स्पोर्ट। और हमारे साथ शिवांग भैया भी हैं जिन्होंने ये कार अवेलेबल करवाई है। तो शिवांग भैया सबसे पहले धन्यवाद, जो कि आप टाइम टाइम पे मौका देते रहते हैं मुझको मेरी फेवरेट कार ड्राइव करने का। ठीक है, तो भाई कुछ ऐसी फ्रंट लुक है गाड़ी की। अभी इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है भाई, जो 100 bhp की पावर निकालता है और 215 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अब आपको भाई बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में जिसका इंजन स्पेक लग रहा होगा वो काफ़ी कम लग रहा होगा, बट भाई जब आप चलाओगे ना इस गाड़ी को, तो आपको अगर प्यार ना हो तो मैं अपना नाम बदलने को खुद तैयार हूँ। आपका क्या कहना है शिवांग भैया इस बात पर? आपने बिल्कुल सही चैलेंज किया है। हाँ, और इस चैलेंज, ये चैलेंज आपका बहुत काबिल तारीफ है। हाँ, इस चैलेंज को मैं बिल्कुल सेटिस्फाई मानता हूँ, क्योंकि मैंने एक से एक बड़ी बड़ी गाड़ी चलाई है भैया। स्कॉर्पियो एन अभी नई आई है, मुझे इसका कंपैरिजन मिला ही नहीं। मतलब भाई हाई स्पीड स्टेबिलिटी ले लो, कुछ भी ले लो। और बाकी अगर एक बार आपको मैं गाड़ी का साइड लुक दिखाऊं, तो भाई कुछ ऐसा जो है अपनी गाड़ी का साइड लुक रहता है, तो साइड से भी जो गाड़ी का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा भैया, आपको चलाने के मामले में आज तक आपने जितनी गाड़ी चलाई है सबसे तगड़ी यही लगी होगी, है ना? तो चलिए अब देर नहीं करते भाई, इतनी तारीफ हमने कर दी, वो कपड़ा निकाल लीजिए भैया नंबर प्लेट से, और फिर अब हम गाड़ी के अंदर आ जाते हैं भाई। तो कुछ ऐसा जो है भाई इंटीरियर आता है गाड़ी का अगर आप देखो तो, और अब मैं एक बार अंदर सेट होने का प्रयास करता हूँ, ये इस टाइप से। ठीक है, सीट थोड़ी पीछे करनी पड़ेगी, ये हो गई और ये मैं आ जाता हूँ। हाँ तो भाई यहाँ पे आपको जो है डेडिकेटेड भाई जगह मिल जाती है, जहाँ आप अपनी गाड़ी की चाबी आराम से रख सकते हो। और उसके बाद में भाई देव भाई को गेट कैसे लगे भाई गाड़ी के? अरे बहुत हैवी है भाई, मतलब एक फील आती है कि है ना गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी। और जैसे तुम्हारे पास फिएट की लीनिया जो कि अपने आप में एक टैंक है, तो उसके मुकाबले इसके गेट कैसे लगे? मतलब भाई मुझे तो इसके ज्यादा हैवी लग रहा है। इसके ज्यादा हैवी है उसके, मतलब ऐसे है कि थोड़ा हल्का सा कर दो लेकिन इसमें पकड़ के, इसके प्रॉपर एकदम टैंक वाले हैं भाई। मतलब देखो है उसके बहुत ज्यादा हैवी, पर इसके थोड़े अलग ही हैं। खैर कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं भाई इस गाड़ी को लेकर के पतली गलियों में, और देखते हैं वहाँ पे कि कैसा कुछ जो है सीन रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ भाई कि ये गाड़ी जो है इसे पिक करने में कोई भी इशू नहीं होता, और सामने से डिजायर वाले भैया आ चुके हैं, तो अब ना ये निकलेंगे ना निकलने देंगे। तो यहीं पे गाइस आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग देखने को मिल गया, तो आज का दिन इसका मतलब चैलेंजिंग ही रहने वाला है। तो देखो भाई, मैं यही कह रहा था कि ये गाड़ी से मुझे एक थोड़ी सी चीज़ जो है, मतलब पॉइंट टू इम्प्रूव लगता है, और वो ये है कि भाई इसका जो गेयर बॉक्स है वो मुझे और गाड़ियों के मुकाबले में थोड़ा सा हैवी लगता है। बट मैं ये कह रहा था कि वही एक भाई कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऐसी है कि वो इसको बाकी की गाड़ियों से अलग बनाती है ना शिवांग भैया? क्योंकि भाई बाकी अगर आप 14 लाख रुपए इसमें लगाओगे ना, तो आपको वही लगेगा कि मैं वही सस्ती सी गाड़ी चला रहा हूँ। तो लेकिन इसमें जब आप 14 लाख लगाओगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई कुछ है यार ये। और मैं तो यहाँ तक ये भी कहता हूँ भाई कि अगर आपको मतलब एक ऐसा SUV वाला, प्रॉपर बड़ी SUV वाला शौक नहीं है ना, तो 14 लाख भाई ऐसी बोलेरो और स्कॉर्पियो पे लगाने से अच्छा इस घोड़े पे लगाओ, क्योंकि भाई इसकी जो हैंडलिंग है ना यार, वो आपका दिल खुश कर देगी। और जब जब आप इस कार को चलाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, क्योंकि भाई इसका एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है भाई ड्राइव होने का। अभी ये गाड़ी 53 202 चल चुकी है, और अभी मैं बस बहुत हल्की सी रेस प्रेस करूँ तो इतना तगड़ा भाई इसका एक्सेलरेशन है, और ब्रेक्स जो है भाई इस गाड़ी के वो और भी ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब कहाँ पे है भैया? तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया की कोचिंग है। तो अगर आपको कौन कौन सी तैयारी आप करवा देंगे भैया? हम टीचिंग एग्जाम्स की और बड़े जितने भी एग्जाम होते हैं सभी। हाँ, तो भाई अगर आप बढ़िया गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं ना, तो यहीं पे आओ यार, आपको मस्त सी जॉब मिल जाएगी। और भैया का जो पढ़ाने का स्टाइल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, मैं भी भैया से कई बार पढ़ चुका हूँ, तो मतलब जो भैया का एक तरीका है पढ़ाने का वो मेरा दिल खुश कर जाता है भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भाई आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो इसलिए भाई मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप भैया की कोचिंग में ज़रूर आएँ। यही है क्या? हाँ, तो गाइस यहाँ पे हम पतली गलियों में आ चुके हैं, और पिछली बार भाई मैं यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा लेकर के आया था, तो आज हम भाई इको स्पोर्ट लेके आए हैं। तो शशांक भैया क्या कहेंगे आप, पतली गलियों में आपको क्या मज़ा आता है गाड़ी चलाने में? वर्कलोड ज्यादा होने पे मुझे एक बहुत ज्यादा हेडेक सी महसूस होती है कि आज मुझे यहाँ पे पतली गली लेके आना चाहिए। सही कह रहे हैं भैया। अच्छा, हम लोग तो क्या कैमरा ऑन कर लेते हैं कि चलो अच्छा है कॉन्टेंट मिल गया। तो भाई थोड़ा आगे से चलते हैं,
ये वाली जो गली थी इसी में हम इनोवा क्रिस्टा लेके गए थे और अब हम इसको लेके जा रहे हैं। और काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि भाई उस अरे भाई भाई उस वाली गली में जो है सफारी ले जाओ, बट भाई वो तो कभी ना जा रही क्योंकि इसकी कटिंग उतनी नहीं है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना भाई, इसकी भी कटिंग कम ही है, स्टीयरिंग इसका थोड़ा कम घूमता है ना शिवांग भैया, थोड़ा सा और घूम सकता था। मतलब गैया माता ये निकाल दी भाई, ये एक बार में आराम से निकल गई। अच्छा शिवांग भैया माइलेज क्या दे देती है ये? माइलेज जैसे आप एसी में जाएंगे हाँ, तो लगभग 15-16 का एवरेज निकाल के देती है। अच्छा अब भाई एक और जगह आ चुकी है ऐसी, उधर से तो निकल ही जा रही है और ये इधर से भी निकाल लेंगे आराम से। ये निकल गई आराम से भाई। ये देखो एक और चैलेंजिंग सी, ये देखो भाई। अच्छा मैं ना जब ड्राइव करता हूँ भाई तो इतना फोकस मैं रखता हूँ कि मैं फालतू ज़्यादा बात नहीं करता, तो इसीलिए मैं अभी कुछ ज़्यादा खास बोल नहीं रहा था क्योंकि भाई पतली गली में इतनी पसंदीदा गाड़ी हम नहीं छुएंगे। तो कितना माइलेज दे देती थी भैया ये एसी चलने पे लगभग 15-16 का एवरेज देती है। अच्छा और बगैर एसी के? बगैर एसी के वही 20-22 का। और हाईवे पे तो मुझे लगता है एसी के साथ भी 20 का निकाल देती होगी। हाईवे पे मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। अच्छा, तो अच्छा ये गाड़ी आपको पता है कि ये लॉन्ग रोड में भैया के हाथ में ही होती है। उन्हें इतना मजा आता होगा कि वो कहते होंगे मैं नहीं दे पाऊंगा तुमको, तुम ड्राइवर चलाओ। ये देखो भाई स्टीयरिंग रोटेशन गाड़ी का बहुत बढ़िया है। अच्छा शिवांग भैया मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि एक मुझे इसकी कमी बताइए जो कि मतलब मुझे लगता है कि इस गाड़ी में एकमात्र बस वही कमी है, वो क्या आप रेक्टिफाई कर पाए? मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो आप नोटिस किए। मेरी नज़रों में अगर बात करें तो मुझे जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है हाँ हाँ, तो इसकी जो एक नॉइज होती है हाँ हाँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये एकदम साइलेंट वाली कार नहीं है जी। लेकिन मैंने काफी लोगों से इस बारे में डिस्कस किया तो बोले यही इस गाड़ी की तो खूबी है, वही चीज है। अच्छा हाँ, इसके अलावा एक और चीज है, अब जैसे आवाज तो ऐसी चीज है भैया कि हम लोग लड़के हैं तो हम लोग आवाज वगैरह तो बेयर कर ले जाएंगे, एक चीज और रह गई है भैया वो अगर आप बता पाए तो। बाकी मैं नहीं समझ पाया इसमें भैया जो एक कमी मुझको लगती है ना वो लगती है छठा गियर। अगर इस गाड़ी में भाई छठी गियर होती ना तो भाई मतलब बवाल हो जाता यार, फिर इसका माइलेज 25 का निकल के आता। अब जैसे अपनी क्रेटा आती है 1.4 जो आती थी उसमें भी हमको 6th गियर देखने को मिलता था, बट इस गाड़ी में 6th गियर मिस है, जैसा कि हमने इनोवा क्रिस्टा वाली वीडियो में बात की थी उसमें भी नहीं आता था, मतलब जो उसमें नीचे वाले मॉडल्स उसमें नहीं था। तो भाई जब आप इतना तगड़ा इंजन दे रहे हो तो 6th गियर भी आपको देना चाहिए था। लेकिन अक्षय भैया अगर आपके अकॉर्डिंग कंपनी अगर 6th गियर प्रोवाइड कराएगी इस गाड़ी में हाँ हाँ, तो फिर 6th गियर आने के बाद फॉर्च्यूनर और इनोवा की बिक्री तो एकदम बिल्कुल जीरो पे चली जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, इसीलिए मुझे लगता है कि टोयोटा वालों ने जो है पैसा दिया होगा कि भाई छठी गियर मत डालना वरना हमारी बिक्री खराब हो जाएगी। ये देखो भाई और सस्पेंशंस जो हैं भाई इसके वो आपको हल्के से हार्ड महसूस होंगे, लेकिन वो जब आप भाई हाईवे पे इसको ड्राइव करोगे ना 120 130 160 पे भी, तब भी आपको उन्हीं हार्ड सस्पेंशंस की वजह से इतनी बढ़िया भाई स्टेबिलिटी मिलेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब जैसे हम फिर से उसी जगह पे आ चुके हैं और एक बार निकाल चुके तो इसलिए भाई दूसरी बार में कोई हेडेक हमको समझ में नहीं आएगा। पर जैसे शिवांग भैया ने बताया कि ऐसी जगहों पे भैया जब आपको आना पड़ता है तो आप क्या सोचते हैं कि मैं बाइक से क्यों नहीं आया। बिल्कुल ये चीज़ है। और हम लोग भाई इसी जगह पे ऑन करते हैं अपना कैमरा और कहते हैं हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये भाई थोड़ा सा तगड़ी जगह हो गई। चलो भाई क्या हैंडलिंग है यार इसकी, मतलब कम स्पीड्स पे भी आपको समझ में आएगा कि हम हीरा चला रहे हैं गाड़ियों का।
एक चीज तो शिवांग भैया मैं समझ गया, आप भी जानते ही होंगे कि इको स्पोर्ट बाप गाड़ी है, बिल्कुल, मतलब दूसरा कोई नहीं है भाई। ये देखो फिर से ये चचा की बलेनो हमारे सामने आते हुए, और मैं थोड़ा सा रिवर्स लेते हुए, ये भाई दीदी जी को भी निकल जाने देंगे आराम से, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारा उद्देश्य है। ये फिर से, अब ये आंटियां जो रहती ना भाई, चाहे आप कितना भी स्किल्ड हो, लेकिन इनसे दूरी बनाना इम्पोर्टेंट होता है। सही बात है शिवांग भैया, वरना इम्पैक्ट होने के बाद भी ये गलती आपकी है। बिल्कुल आप ही पे गलती होगी भाई, और फिर आप चौकी जाना पड़ेगा आपको। और मुझे वैसे ही पुलिस वुलिस से भाई बहुत ज्यादा लगता है डर, जो बात भाई साफ है। तो कैसी रही भैया ये वाली गली? ये वाली गली वाकई काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग थी। हाँ। और मुझे अब लगने लगा है कि अब मैं शायद ये फील ना कर पाऊँ कि मुझे बाइक से आना चाहिए था। अच्छा, आप भी ट्राई करेंगे? बिल्कुल ट्राई करूंगा इसको। बिल्कुल भैया मजा आएगा, फिर आप भी वीडियो बनाइएगा, थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाएगा आपके चैनल के हिसाब से। लोग कहेंगे पढ़ाई लिखाई से पतली गली में कहाँ पे आ गए। लेकिन उसी का लेकिन मैं संडे स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड कराता हूँ जो नॉन टीचिंग होती है। अच्छा अच्छा, तो उसमें मजा भी आता है। मैंने अभी ऐसा सोचा है कि संडे नॉन टीचिंग डे रखूं। अच्छा, तो गाइस भैया की कोचिंग के साथ साथ उनका एक चैनल भी है, मतलब भैया यार इतना पढ़ाने पे लगे हुए हैं तो पढ़ लो यार आप लोग भी भाई, टीचर वीचर बनो और देश को संभालो। तो भैया के जो चैनल का लिंक है भाई वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ट्रिकी सी डी पी विद शिवांग मिश्रा, है ना भैया? यही नाम है ना? तो भाई मैं खुद भैया की वीडियो से इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ कि मुझे उनके चैनल का नाम याद है। तो आप भाई जाएँ ज़रूर से देखें भाई, और सब्सक्राइब करें उनके चैनल को, हर वीडियो देखो भाई, लाइक करो शेयर करो, है ना? क्योंकि भाई भैया को सपोर्ट दोगे तभी तो आपके लिए वीडियोज आती रहेंगी, भैया को और मोटिवेशन मिलेगी ताकि वो आपको और अच्छे से पढ़ाएं। तो जाओ भाई डिस्क्रिप्शन में, जो अपनी पावर है वो दिखाओ यार, भैया को सपोर्ट करो। तो इधर भाई मैं थोड़ा खुरापात करूँगा, खम्भे के बीच से निकाल लूँगा ये। ये निकल गई आराम से। अच्छा, इसमें माइलेज जो अभी दिखा रहा है भैया 15.1 का, तो ये मतलब खींच के चलाने के बाद इतना है या फिर आराम से चलाने पे? ये तो अभी मुझे एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है इस बारे में। हाँ, मतलब ये ऐसा ही है कि जब मूड किया तो थोड़ा खींच भी लिया और बस, हल्की सी भी। एकदम जब आप ठान के चलेंगे कि भाई माइलेज निकालनी है तब आप और अच्छी निकाल लेंगे, तो वो चीज़ रहती है। सो इतना ही था गाइज इस वाली वीडियो के साथ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो सो गाइज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, टेल मी इन द कमेंट्स दैट व्हाट वीडियोस यू वांट इन फ्यूचर, तो उस हिसाब से गाइज मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।